हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखते हैं मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है एक बाउल मखाना, एक बाउल दूध, घी, काजू, कुटी हुई छोटी इलायची, एक बाउल चीनी, किशमिश और बादाम। सबसे पहले पैन को गर्म कर ले। अब इसमें एक या दो चम्मच घी डाल दें। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें मखाने को डाल दें और हल्के से फ्राई कर लें। अब चूल्हे की दूसरी तरफ दूध को बर्तन में डालकर उबालना स्टार्ट करें। फ्राई किए हुए मखाने को एक बाउल में निकालकर उसे मिक्सी में पीस लें। और अब हमने मिक्सी में फ्राई किए गए मखाने को पीस लिया है। हम पीसे हुए मखाने को उबलते हुए दूध में धीरे धीरे डालते जाएंगे, इस तरह से। एकदम आराम से इसको दूध में हिलाते हुए डालते जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसमें कुटी हुई इलायची डालें और इसको भी मिक्स कर लें। हल्की आंच पर इसे पकाएं जब तक कि उबाल आने लगे। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार चीनी मिला लें और इसे खीर में घुलने दें। अब इसमें बादाम डाल लें और साथ ही काजू भी मिला लें। ध्यान रखें कि इस गर्म खीर में किशमिश ना मिले, क्योंकि आपकी किशमिश गर्म दूध को खा सकती है। आपकी खीर जब ठीक हो जाए तो गैस को बंद कर दें और अब इसमें किशमिश मिलाएं। आपकी खीर अब तैयार है। इसे गैस से उतार कर एक सुंदर से कंटेनर में डालकर गार्निश कर सर्व कर लें।